नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा, अनौपचारिक रूप से शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन यातायात विभाग ने ईदगाह चौराहे पर जहां नेत्र रोग परीक्षण शिविर लगाया गया, वहीं गांधीगिरी दिखाते हुए नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को फूल देने के साथ ही CSP BB शर्मा ने वाहन चालकों को दी समझाइश। मालूम हो कि 31वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह यातायात प्रभारी आशीष राय ने बताया कि नेत्र रोग परीक्षण में 82 ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 42 को निकट दृष्टि और 8 को दूरदृष्टि दोष निकला है। उन्होंने बताया कि 48 लोगों को निःशुल्क चश्मा भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईदगाह चौराहे पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को फूल वितरित किए गए। सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन क्या क्या कार्रवाई? आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन की कार्रवाई में सबसे पहले ट्रक चालक, बस चालक, ऑटो चालक और जो भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं उनके लिए नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम यातायात थाना विदिशा में रखा गया है। उसके पश्चात जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता जो लोग रहते हैं वो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, स्वयं की भी जान जोखिम में डालते हैं, उनको गुलाब का फूल देकर ये मैसेज दिया गया है कि आप कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, साथ ही अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।